सभी लोगों का स्वागत है मेरे आज की वीडियो में। तो आप सभी लोग के लिए लेके आया हूं मैं हुंडई ऑरा सीएनजी, पेट्रोल पर सीएनजी ये गाड़ी है। और हमारे सामने ये हमारे मित्र हैं और उन्होंने कल ही खरीदी है, तो आज हमने सोचा चलो इसकी वीडियो आप लोगों को लिए बना दें। ये एक कमर्शियल पर्पस के लिए बहुत शानदार गाड़ी है, आपने देखा होगा ओला टैक्सी वगैरह में बहुत चलती है। और तो चलिए अब हम समय को बर्बाद ना करते हुए आप सभी लोगों को साथ शेयर करना चाहते हैं इसका एक्सपीरियंस। तो अगर हम फ्रंट की इसकी बात करें तो आपको यहाँ पे हेलोजन हेडलैम्प्स मिल जाएगा, ये आपको DRLs मिल जाएगा। अगर हम बात करें इसकी तो इसमें आपको ये यहाँ पे हुंडई का लोगो मिल जाता है, जो नया वाला हुंडई ने लोगो लिया है। अभी आपने देखा होगा वर्ना में सबसे पहले यही लोगो इंट्रोड्यूस हुआ था, वही वाला लोगो इसमें आपको मिल जाता है। और अधिकतर आपने देखा होगा हुंडई की जो भी गाड़ियाँ हैं सबका फ्रंट का जो फेस है वो सारी गाड़ियों का सेम देते हैं वो लोग। और हाँ, यहाँ बात करें डोमिनेटिंग ग्रिल मिल जाती है आपको। और चलिए अब हम साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टायर साइज है आपको 175/60 R15 का इसमें आपको टायर साइज मिल जाता है। 160 mm का जो आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। अगर हम इसके दो हैंडल्स की बात करें तो आप देखो बहुत ही जो ऑसम कह सकते हैं इसको, इसमें आपको देखिए आप इसमें जो आपको सेंटर लॉकिंग के साथ मिल जाती है, कीलेस एंट्री है। और हम इसके ORVMs की बात करें तो सेम बॉडी कलर में भी टर्निंग इंडिकेटर साथ। तो दोस्तों ये जो ORVMs है आपको टर्निंग इंडिकेटर के साथ मिल जाता है। आपको ये डोर हैंडल्स मैंने जो आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये डोर हैंडल आपको जो क्रोम में मिल जाते हैं एंड कीलेस एंट्री है। तो जैसे हम इस बटन को प्रेस करेंगे हमारी गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। तो अब हम बात करने वाले हैं इसके इंटीरियर की, तो आइए हम इंटीरियर आपको दिखा दें। तो शुरुआत करते हैं हम इसके पावर विंडो से, तो आपको डोर पे ही चारों पावर विंडो, यहाँ पे आपको सेंटर लॉकिंग का बटन मिल जाता है, ये बटन है जो आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs का बटन मिल जाएगा। यहाँ से आप अपने लेफ्ट एंड राइट दोनों ORVMs उनको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अंदर क्या क्या मिलता है आपको। इसका हम देखें तो इसमें आपको जो मिल जाता है यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो आपको हाइट एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती है, आप सीट को हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्टेयरिंग है इस पर आपको जो माउंटेन कंट्रोल्स मिल जाते हैं, आपको दोनों साइड माउंटेन कंट्रोल मिल जाएंगे। और हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इसमें आपको टच स्क्रीन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आपको ऑफर हो जाता है। इसका हमको जो AC है वो आपको AC मिल जाएगा, AC हीटर दोनों ऑप्शंस हैं। अगर हम इसके जो गियर नॉब की बात करें तो काफ़ी छोटा सा स्मॉलेस्ट जो गियर बॉक्स दिया हुआ है ये 5MT ट्रांसमिशन में है। और इसके हम सेफ्टी पर की जो बात करें तो इसमें आपको 6 एयरबैग मिलते हैं, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो हमको मिलती है। और क्योंकि इसमें हमें देखने को मिलता है कि हुंडई ने जो कस्टमर हैं उनकी सेफ्टी के लिए काफ़ी सारी चीज़ें रखी हैं कि इसमें ABS प्लस EBD है, थीप अलार्म है, 6 एयरबैग है। बाकी हाँ एक चीज़ और बताना मैं भूल गया कि इसमें आपको ये SX मॉडल है इसलिए आपको इसमें स्टार्ट स्टॉप उस बटन मिल जाता है। अब हम डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इसमें छोटा सा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। बाकी हम अगर बात करें इसकी तो ये आपको मिल जाता है कि इसमें आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको एनालॉग भी मिल जाता है, आपको जो RPM का और स्पीड का जो मीटर है स्पीडोमीटर है वो आपको एनालॉग मिल जाता है। और हम चलिए हम इसके पीछे की सेटिंग की बात कर देंगे, पीछे आपको क्या क्या मिलने वाला है। जो पीछे की सेटिंग है वो हम देखते हैं तो पीछे की सेटिंग काफ़ी अच्छी है और ये आप जानते हैं ये कमर्शियल पर्पज़ से यूज़ होने वाला व्हीकल है, तो इसमें पीछे की सेटिंग कम्फर्टेबल देना लाजमी बनता है। तो देखिए आप आइए यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे अगर कोई आपके साथ पैसेंजर बैठा हुआ है तो उसके लिए रियर का AC बैंड, और यहाँ पे आपको जो मिलता है वो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, यहाँ पे आपको चार्जर लगाना पड़ेगा। फ्रंट में आपको USB टाइप के दो केबल्स मिल जाते हैं। और अगर हम रूफ माउंट की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए आपको यहाँ रूफ माउंट लैम्प मिल जाता है, यहाँ पर आपको जो हैवी हेलोजन में मिलता है, और यहाँ पर आपको ये डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। अंदर आप देखेंगे डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, वहाँ पर आपको 3 डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। तो अगर हम अब चलिए पीछे की बात करते हैं कि गाड़ी की जो बूट है वो आपको चाबी के साथ ओपनिंग मिल जाती है, तो आपकी जो गाड़ी की बूट है वो चाबी से आप ओपन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए काफ़ी सफिशियंट है, यहाँ पे आपको CNG सिलेंडर के साथ साथ
आपको जो बूट स्पेस है इतना मिल जाता है कि आपको एक फैमिली के लिए आप सफिशिएंट तरीके से अपना सामान को कैरी कर सकते हैं, आपकी जो लगेज है उसको कैरी कर सकते हैं। चलिए हम इसको बंद कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको स्पॉइलर सेडान कार, स्पॉइलर आपको पीछे ही मिल जाता है। यहाँ पे आपको हुंडई की बैचिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको ऑरा जो लिखा हुआ है वो आपको मिल जाएगा। रियर पार्किंग सेंसर्स हैं। यहाँ पे आपको रियर कैमरा मिल जाता है और आपको रियर डिफोगर मिल जाता है। रियर वाइपर का ऑप्शन नहीं है इसमें। सार्कफेन एंटीना मिल जाएगा। तो ओवरऑल हम जो एक्सपीरियंस पे आए हुए हैं कि आपको जो गाड़ी है वो आपको 1.2 पेट्रोल पर सीएनजी ऑप्शन के साथ ऑफर होती है। ये 4 सिलेंडर इंजन है जिसमें आपको 68 BHP का पावर है और 95 न्यूटन मीटर का इसमें टॉर्क मिल जाता है आपको। 160 mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। और आप देखेंगे कि गाड़ी काफ़ी शानदार है, देखने में अच्छी है। माइलेज इसका जो कंपनी क्लेम कर रही है वो 27 अराउंड, और 25 से कम के तो कभी नहीं देती गाड़ी, क्योंकि CNG है, CNG कार हमेशा 25 का एवरेज आपको देंगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जो CNG है वो बहुत सारे फीचर्स के साथ आती है। इसका SX मॉडल है और कमर्शियल पर्पज़ से आप यूज़ कर सकते हैं, आपको पर्सनल ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आप बहुत सारी जानकारी आपको दी है और ऐसी जानकारी हम आते रहेंगे। और इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखकर मेरे YouTube चैनल द ऑटो ब्लॉगर भोपाल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और गोपाल भाई से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ वो बेल आइकन है उसका, जो उसको नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लीजिएगा। तो हम आपसे हर 2-3 दिन में मिलते रहेंगे नई नई वीडियो के साथ, नई नई गाड़ियों के साथ। तो ऐसी ही बहुत सारी गाड़ियों की वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।